हाय, हम हैं इमी और तानी, और पिछली एपिसोड में तानी ने मुझे सरप्राइज ऑफ अ लाइफ टाइम दिया. वी फ्लू फ्रॉम इस्तांबुल टू कैपाडोकिया एंड स्पेंड सम ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ हियर. अल्फाज नहीं बताने के लिए. हर मोमेंट मैजिकल था, लेकिन ऑफ कोर्स हर जर्नी का एंड होता है. और अब वक्त आ गया है कैपाडोकिया को गुड बाय करने का और आगे जाने का. वेल ऑफ कोर्स ट्रैवल में हमेशा वो नहीं होता जो हमने प्लान किया होता है, और ये दिन भी थोड़ा ऐसे ही गुजरा. सो गाइस, तो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, और क्या खूबसूरत लोग हैं, इतने अच्छे लोग, इतने बड़े दिल के मालिक. इन्होंने हमें इतने सारे तोहफे लाए तीन इंतजार के बाद. मेरे ख्याल से डब्बे हैं दो तीन, इन्होंने हाथ से बने हुए, यहीं के मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, हार्ट शेप, इसके ऊपर इनके होटल का नाम लिखा हुआ है, आइडेंटिटी केव होटल. ये इलाके को मिला. We're gonna miss this place. Sure, welcome anytime. तानी मेरे लिए फूल लाए. सो कार रेंटल ऑफिस अभी तक बंद है, और पता नहीं हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे. ये ऑफिस इनका बंद पड़ा हुआ है. इधर चाचा जी आ गए हैं कोई और. तो भाई सीन ये है कि हम लोग इस टाइम पे कैपाडोकिया एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, और यहाँ पे गाड़ी हायर आउट करना जो है वो एक अजाब हो गया. इंतजार ने कोई 12 या 14 दफ़ा कॉल करके, एक कंपनी है यहाँ पे, मैं उनका नाम बता देता हूँ, गेरेंटा, उनसे मत करें, उनसे बिल्कुल मत कोशिश कीजिएगा हायर करने की गाड़ी, क्योंकि उनकी सर्विस जो है वो बहुत ही सड़ी हुई है, पथेटिक है. मतलब मैं क्या उनको गालियाँ देने का दिल चाह रहे हैं. वार हो गए बच्ची के साथ, सुबह के निकले हुए, नाश्ता नहीं किया, मतलब हालत ख़राब है. तीन दफ़ा इम्तिसाल ने उनसे बात की फ़ोन के ऊपर, उस बंदी को इंग्लिश नहीं समझ आ रही, कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है. हुआ ये कि इम्तिसाल ने ऑनलाइन देखी प्राइस, 11 दिन के लिए हमें गाड़ी चाहिए थी, उस पर कोट हमें आया 3400 लीरा का 11 दिन का. उसके बाद इम्तिसाल ने ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की, तो वो हम कर नहीं सके, क्योंकि उस पर उनकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो रही थी बार बार, वो हमें अलाउ नहीं कर रही थी कि हम गाड़ी जो है ऑनलाइन बुक करें. तो इम्तिसाल ने उनको कॉल की, इम्तिसाल ने उससे कहा कि भाई किसी ऐसे बंदे से बात करा दो जिसको इंग्लिश आती है. उसने कहा कि मैं ही वो बंदी हूँ जिसको इंग्लिश आती है, तो मुझसे बात करो. तो इम्तिसाल ने फिर उसको कहा कि भाई हमें इन इन डेट्स के लिए गाड़ी चाहिए. उसने कहा सही है, हो जाएगी. उसमें वन वे फ़ी जो है, असल में हमें पिक करनी है गाड़ी कैपाडोकिया से और रिटर्न करनी है इस्तांबुल में, तो उसमें वन वे फी लगती है. तो ये पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड रूल है. तो उसने कहा कि ये सब कुछ इंक्लूडेड है, 3340 जो भी हमें उसने प्राइस कोट की उसमें. उसके बाद फिर हम वहाँ से सब कुछ बुक करा के, उसने पेमेंट जो है फिर भी नहीं ली. उसने कहा कि आप लोगों को पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करनी पड़ेगी, मतलब ओवर द फोन करनी पड़ेगी. लेकिन जब इम्तिसाल पेमेंट करने लगी, तो उसने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी नंबर जो है वो नहीं चल रहा, आपका कार्ड नंबर नहीं चल रहा, पता नहीं क्या क्या, मतलब अजाब, मतलब मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता कि उसने क्या कहा. उसके बाद फिर हमारी उसने सरसरी बुकिंग कर दी, उसने टेंटेटिव बुकिंग कर दी कि आप लोग जाएँ एयरपोर्ट, जो कि हमारे होटल से जो कैपाडोकिया में है वहाँ से तकरीबन 1 घंटे दूर था. हम लोग यहाँ पे आए 2 घंटे पहले, और 2 घंटे पहले पहुँचने के बाद हम जब यहाँ पे गेरेंटा के ऑफिस आने की कोशिश कर रहे थे, सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, आप वहाँ जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अराइवल्स में बनाए, और आप तो खाली डिपार्चर में जा सकते हैं, क्योंकि अराइवल में तो वो आते हैं जो मतलब यहाँ लैंड हो रहे होते हैं. तो भाई मतलब दिमाग अजाब हमारा जो है वो ख़राब हो गया. 2 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया, बीच में लंच टाइम आ गया, यहाँ पे 1 से 2 का जो है वक्फा होता है इनका, लंच ब्रेक का, तो उसमें आप किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो होते नहीं ऑफिस में. उसके बाद फिर ये हुआ कि हम गेरेंटा के ऑफिस कर करा के पहुँच गए, लेकिन गेरेंटा का ऑफिस बंद. हमारी टेंटेटिव बुकिंग हुई हुई है आज की दोपहर 2 बजे की, उसके साथ एविस का ऑफिस बना है, वो भाई कह रहा है कि 6,500 या 7,000 तो डबल हमें प्राइस बता रहा है. उसके साथ इंटरप्राइज का फाइनली हमें ऑफिस मिला, और उस बंदे ने हमें फिर भी रीजनेबल एक प्राइस दी. 11 दिन के उसने मेरे ख्याल से 4700-4800 हमें कहे, तो हमने कम करवा के और थोड़ी सी अपनी बार्गेनिंग स्किल्स जो है वो अप्लाई की, और फिर हमारा जो है वो 4500 टर्किश लिया हमें. 11 दिन का जो है वो काम हो गया है. तो यहाँ से चलो गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं. एक अजाब है कसम खुदा की, अगर आप लोग आ रहे हैं कैपाडोकिया या टर्की, तो पहले से कोशिश करें कि आप किसी अच्छी ऑथेंटिक किसी रिकग्नाइज्ड रेंटल कंपनी के साथ जो है गाड़ी बुक करें, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला कम्युनिकेशन. दूसरा ये कि यहाँ पे रिलायबल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है लोग, जैसे पाकिस्तान में है वैसे यहाँ पे भी है. हर जगह के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं. तो कुछ मेरे ख्याल से ये चंद बुराइयाँ, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे टूरिज्म है, इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए. हमें पकड़ने तो नहीं आ रहे, निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं फिर आगे. गाड़ी में बैठने का, और सो फाइनली गाइस,
निकल गए अपने रास्ते पे कैपेडोकिया से कोनिया के लिए, और बस अल्लाह ताला हमें साथ खैरियत से पहुंचा दे यार, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, मुझे रोडों का नहीं पता चल रहा, मुझे यहाँ के ट्रैफिक का नहीं पता चल रहा, कुछ आइडिया नहीं है, और ऊपर से बारिश होने वाली है भाई, मतलब क्या हो रहा है ये? No, but in all seriousness, Tani has never driven. हाँ, मैंने कभी नहीं चलाई है गाड़ी like this before. अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा ना, राउंड अबाउट में मुझे समझ आ रहा, क्योंकि हम कराची में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में राइट हैंड ड्राइव है वहाँ पे, तो वहाँ पे जिस तरह से जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि मैं राइट पे देखूँ लेफ्ट पे देखूँ, और ऊपर से सीधी गाड़ी हमने पिकअप की है कार रेंटल से और हम लोग निकल गए हाईवे पे. ओ, ये क्या हो रहा है भाई, मौसम चेक करो यार. और मैं इधर as you guys can see एडिटिंग कर रही हूँ, बिकॉज आप सबको भी तो कॉन्टेंट बना के देना होता है ना, आप सबके साथ ट्रैवल करना होता है. So I'm doing that, but I don't even know ये क्या हो रहा है, like जी कमिटी के पास हो जाए. I love the rain, तो इतने क्रेजी और इवेंटफुल डे के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बिल आखिर कोनिया, और कोनिया आके ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सुल्तान सलीम साहब की मस्जिद विजिट ना करें, और उसके साथ रूमी का मकबरा बना हुआ है यार, ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं. तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि सुल्तान सलीम मस्जिद जो है ये 16th सेंचुरी ऑटोमन जब ख़त्म हो रहा था पीरियड उस टाइम पर बिल्ड की गई थी, 1570 टू बी प्रिसाइज. और क्या मस्जिद है, और इधर बहुत एक मज़े का माहौल बना हुआ है, सारे लोग यहाँ पे बैठ के खाने खा रहे हैं. देयर आर सो मेनी फ्लावर्स हियर, हर जगह फूल है, लाइक गुलाब, मतलब फवारे लगे हुए हैं बीच में. अच्छा, काफ़ी बड़ा सा ये जो है ये स्क्वायर है ना, जैसे वो तकसीम स्क्वायर था इस्तांबुल में, बिल्कुल उसी की तरह का ये स्क्वायर है, मतलब उतनी हसल बसल नहीं है क्योंकि छोटा शहर है, लेकिन रौनक है यहाँ पे, बहुत रौनक है. तो हम एंटर होने वाले हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी के टूम में, एंड ये प्लास्टिक के बैग अपने जूतों पर लगाएंगे जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ताकि वो क्लीन रहे. और काफ़ी बिजी है यार, मतलब तो अभी बिल्कुल ऑफ सीजन चल रहा है, इट्स एक्चुअली रियली पैक्ड. And it looks so beautiful. I'm obsessed with Sufism. मुझे बहुत पसंद है. Other than Sufism, I find Maulana Rumi's poems extremely inspiring, and I wanted to share one with you guys. You were born with wings. Why prefer to crawl through life? अब ये हर बंदे के लिए कुछ अलग मीन करेगा. मैं ये शेयर करती हूँ कि ये मेरे लिए क्या मीन करता है. A few years ago, I was obsessed with traveling, but I was way too scared to do it. I was way too scared to get out of my shell and explore the world. लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये हमारे लिए एक फुल टाइम चीज़ हो सकती है. But one day, we decided to take the risk and live our life to the fullest. हमें खुल के जीने का दिल किया, और वो हमने किया. And for the past year, we've been living out of a suitcase, and it really has been the best decision of my life. हमेशा एक डर था जो मुझे रोकता था. Sometimes you just have to break free of your own insecurities and your own fears to really start living. I think one thing travel has taught me is more about myself than anything else. I've discovered a new me, a fearless me. और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये फीलिंग महसूस करें. और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़. आई होप यू एंजॉयड आवर व्लॉग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू वॉच टिल दिस पार्ट, एंड डू हिट द लाइक बटन. चलें भाई, थोड़ा गाना सुनते हैं.